पाकिस्तानी ट्रेन, एक साइड ट्रेन एक साइड बस, दोनों का कंपटीशन। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं हम। वेलकम टू रावलपिंडी पाकिस्तान। अरे इंडिया से बहुत चल रही है देखो, और इस तरफ लगी हुई है हमारी ट्रेन। इस्लामाबाद शहर मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहता है। 100 रुपीज का ऐसा गुलाबी नोट है। पहिया लोकोमोटिव पाकिस्तानी ट्रेन का। नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिलहाल मैं हूँ पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे में। हम निकलने वाले हैं यहाँ से ननकाना साहिब के लिए, फिर से जाएंगे पाकिस्तान की ट्रेन में और रात को होपफुली 11-12 बजे तक ननकाना साहिब पहुँचेंगे। ननकाना साहिब जहाँ जो कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे तलवंडी पाकिस्तान में। चलते हैं, चलिए चले। मल्होत्रा जी, थोड़ा नाम की है? दिलीप कुमार मल्होत्रा। वाह, मल्होत्रा जी से मिलके खुश हो गया जी, दिल बहुत प्रसन्न हुआ। शुक्रिया, सब ठीक है, सब खैरियत है। ये भी मल्होत्रा है, यूट्यूबर है। आए कभी हमारे हिंदुस्तान? मैंने इनको दे दिया नंबर, ये आते हैं पोटा साहब देवदूत जाते हैं। अच्छा, हाँ आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आइएगा जरूर। बहुत मोहब्बत मिली आपसे। अच्छा आप भी मिले हैं, ये भी मल्होत्रा है। आपका नाम? ईशान मल्होत्रा। ईशान मल्होत्रा, अच्छा आप कौन सी जगह से है? हम केपीके से। केपीके, फुल फॉर्म क्या है केपीके? खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, सब खैरियत है, सब अच्छे से है। आने का दिल करता है उधर हिंदुस्तान? उधर 7 साल रह चुका हूँ। रह चुके हो देहरादून में? चलिए ठीक है जी। तो यहाँ पंजा साहिब गुरुद्वारे के पास से बसेज आ चुकी है, लेके जाएंगी हमें हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन तक। लगेज जो होता है ना वो सब ऊपर रखते हैं। तो जी यहाँ से निकल चुकी है फाइनली पंजा साहिब गुरुद्वारे के पास। यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी तैनात थी, सुबह जब हमने देखी ना तो ये रसब बंद था, सीज किया हुआ था, और फाइनली अब यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है जी, बाय बाय। तो जी अब जा रहे हैं हम हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन, जो कि लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है। इतने आओ, 500 दे दो, 1500 पाकिस्तानी चाहिए है। क्यों नहीं चलते? चलते हैं, ट्राई तो करके देखो। नहीं चलते इंडिया दे रोड? ओहो, ये तो सारी इंडिया च बहुत चल रही है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, 500 रुपए है। ये देखो ये लिखे 500, दे दो 1500। ओ हाँ वो देखो ले रखे इंडिया रुपीस, इंडियन करेंसी। देखो ये हमने अभी 500 के चेंज करवाए हैं, 100 रुपीस का ऐसा गुलाबी नोट है। यहाँ पे बैंक चलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आए हैं। आपको अब तक यही नहीं पता था आप बस किसकी ये बस ले जा रहे हो? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 100 रुपीस। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये सही है, पीछे लटक रहा है। बारिश का रहा है। घर से लेख रहे हैं। कमांडो पुलिस हर जगह है। शुक्रिया शुक्रिया। ओके जी, हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं हम। वेलकम। उस दिन रात को आए थे ना तो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट अभी देखो यार, अभी देख सकते हैं हम मौसम, देखो बारिश का। और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान का हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। इधर कर दिया हमें ड्रॉप, और सामने देखिए वहाँ पे है ये स्टीम इंजन। मतलब अभी तो सिर्फ डेकोर करके रखी हुई है, चलती तो नहीं है आई थिंक ये वाली। एक बार सामने से दिखाते हैं आपको, ये देखिए स्टीम इंजन, पुराने जमाने की पाकिस्तानी ट्रेन। और ये है स्टेशन का, एक बार देख लीजिए। रुक, ये आ गई जी बस, चलते हैं अंदर। यहाँ से सिक्योरिटी है। दूसरी सामने लगी है, सामने लगी है। ओके देखिए ऐसा कुछ है अंदर का, रिजर्वेशन काउंटर है उधर। टिकट इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो सब आपको यहाँ पे मिलेगी।
अभी ये न्यूली बिल्ट रेलवे स्टेशन है, 2020 में ही बिल्ट हुआ है, इस वजह से काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में, मतलब काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। कहाँ से जाना है? दो नंबर ट्रेन के लिए, सेकंड ट्रेन। अच्छा, दोनों साइड से है, ठीक है, इधर से चलेंगे। डिब्बा नंबर 3। उस साइड से जाएं। अच्छा चलिए, पीछे से 3 स्टार्ट। ठीक है जी, शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पे देखिए पुलिस, विमेन पुलिस भी है, फीमेल की सिक्योरिटी के लिए तैनात। ये क्या चीज है? डॉग। ओह सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी चेकर है। ये क्या चीज है? ये जैमर। अच्छा ठीक है जी, चलेंगे हम अपना। ये देख लीजिए ट्रेन, इसी ट्रेन से वापस आए थे हम, आते हुए अब इस ट्रेन से ही वापस जा रहे हैं। एक बार हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन, और इस तरफ लगी हुई है हमारी ये ट्रेन जिसमें हम जाएंगे। आज का सफ़र होगा ननकाना साहिब के लिए, इकोनॉमी क्लास, ग्रीन और येलो कलर की ऐसी कुछ दिखती है, स्पेशल इकोनॉमी। अच्छा, हमने ना जो इस ट्रेन का पे कर दिया था एडवांस में ही 9,750 रुपये, और इसमें हमारा रिटर्न फेयर भी इंक्लूड था। इसमें हम जाने वाले हैं, अभी ट्रेन हमारा कोच है 3 नंबर, मतलब जो सीट हमें ऑलरेडी पहले से अलॉट हुई थी वही सीट सेम इस टाइम भी रहेगी। तो चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर के लिए शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं जनाब? आगे जी, आगे 3 नंबर के लिए जाएंगे। चलिए आइए, आज भी चाय पिलाएंगे, उस दिन चाय बहुत अच्छी थी। चलिए आ जाइए। हल्की हल्की सी बारिश है। ये है 4 नंबर कोच, कोच नंबर 3 के लिए जा रहे हैं हम। चलिए सर, चलिए। शुक्रिया। सीट नंबर वही है, सेम 49? यही है। ओके, सेम सीट नंबर, सेम कोच। तो ये कैसे हमारी ट्रॉली पूरी भीग के आई है नहा के। वाहेगुरु जी की फतेह। लो जी, ये हमारे साथी पैसेंजर हैं। सीट याद कर दे, मैडम तो आ गई पीछे, वीडियो बनाती। खर्चो खर्चो। हाँ जी, हाँ जी, बस जी, एक सेकंड जी। कोई गल नहीं, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। आओ कब तुझे इधर चढ़ना सी। तो हमारे साथ है जान महल और उनकी पूरी फैमिली। अंदर ट्रेन का सफर होगा आज का सुहावना बारिश में। हाँ हाँ, और कंफर्टेबल है? बढ़िया सीट सूट, दर्शन बढ़िया हुए? बढ़िया, मीन है थोड़े कम खराब कर। ओ भी मजा है एक। पंजा साहिब दर्शन बढ़िया हुए? ठीक है जी, देख लो जी, ऐसी है हमारी सीट, कोच पूरा कोच ऐसा है। ट्रेन में 3 बर्थ है, अपर, मिडल, लोअर। मिडल बर्थ जब सोएंगे उस टाइम पे ओपन कर लेंगे, फिलहाल तो सब सिटिंग ही है। और बारिश इतनी तेज है, नेवी के जवान लग रहे हैं। ये आपकी नेवी की ड्रेस लग रही है? रेलवे की है। ठीक है जी, और सामने देखिए पहाड़ी पे कैसे बादल छा गए हैं, लगता है बहुत घनी तेज बारिश आने वाली है। देखिए पूरे बादल हर तरफ। वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रेन। तो जी ठीक 5 बज चुके हैं और हॉकिंग विसलिंग हो चुकी है, ट्रेन मूव हो चुकी है अब यहाँ से। इतने खूबसूरत सामने क्लाउड्स और वेदर देखो यार, बहुत ही प्यारा। हसन अब्दाल से शाम के 5 बजे ट्रेन हो रही है रवाना, विद सिक्योरिटी, अंडर सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी, SPG, कमांडो, पूरी फुल ऑन पुख्ता सिक्योरिटी। कुछ भी गाँव, स्टेशन तो बहुत प्यारा है। ठीक है जी, शुक्रिया। और ये इधर जो है ना, ये 3rd ट्रेन के जो भी पैसेंजर यात्री है ना, वो यहाँ पे आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं अपनी 3री ट्रेन का।
मिलते हैं ननकाना साहेब। बेहतरीन वेदर। हसन अब्दाल को बाय करते हुए हसन अब्दाल से निकलते ही ट्रेन ने लिया है बहुत ही खूबसूरत कर्व। ऐसा लगता है कि मॉनसून आ गया है इतना जल्दी यहाँ पर। दोनों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ चल रही हैं और बीच में है खूबसूरत ट्रेन का सफ़र। की काफ़ी बेहतरीन है अभी और जो पाकिस्तानी यहाँ की विलेज लाइफ है वो भी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। ट्रेन से सफ़र करने का ये फ़ायदा तो होता है आप किसी भी जगह जाएंगे ना वहाँ की विलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे टर्न लिया ट्रेन ने एकदम और सामने ये प्लांट लगा हुआ है पूरा सोलर सिस्टम का सोलर पैनल। यहाँ पे ये बिजली के प्रोडक्ट है हाइड्रो प्लांट बिजली का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। जाता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ट्रेन अभी अप्रोच कर रही है तक्षशिला शहर को।
हसन अब्दाल पीछे रह गया और आ चुका है तक्षशिला। पूरा बाजार आपको यहाँ पे दिखेगा, कपड़ा, जुत्ती, काफी बड़ा बाजार लग रहा है। तक्षशिला आ गया, तक्षशिला, तक्षशिला, ओ भाई तक्षशिला। ट्रेन ने लिया एक और जबरदस्त 360 डिग्री कर्व। स्नेक लाइक। सामने पहाड़ी का खूबसूरत व्यू। यहाँ के लोग बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए ट्रेन को, जो भी जा रहा है बाय करके ही निकल रहा है। ओ माय गुडनेस, सीधा कर्व। वाह, ट्रेन अभी अप्रोच कर रही है रावलपिंडी, जो कि हसन अब्दाल से लगभग 45 किलोमीटर है। और यहाँ का काफ़ी बड़ा शहर रावलपिंडी। रावलपिंडी से जो जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ट्रेन की स्पीड लगभग 120 के अराउंड थी, 120 kmph, बट अब यहाँ पे आ गया रावलपिंडी को हम अप्रोच कर रही है अभी ट्रेन ना, तो स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। यहाँ के जो भी लोकल लोग हैं ना वो बहुत उत्सुक हैं, आपको मतलब बाय कर रहे हैं, एक जैसे एक जेस्चर होता है ना वो आपको शेयर करने को देखने को मिलता है। वेदर अभी तक यहाँ पे साथ दे रहा है। होपफुली जो अभी हमारे लास्ट 3 दिन का जो सफ़र था उसमें वेदर ने तो बहुत साथ दिया। होपफुली आगे ननकाना साहिब और लाहौर में भी अच्छा वेदर मिले, ताकि जो हमारी यात्रा चल रही है ना इस जर्नी को और ज़्यादा हम इंजॉय कर पाए। ये देखो छोटी सी बग्गी, ई रिक्शा है यहाँ के ऐसे। आज मौसम बड़ा बेहतरीन है, ये सफ़र हम जब आए थे ना तो मिस हो गया था क्योंकि पूरा सफ़र रात का था, परंतु अभी जो दृश्य है ना शाम के समय, बस कमेंडेबल, मनमोहक। इतने सुंदर सुंदर कर्व आ रहे हैं, बेहतरीन। रात को उस दिन हम सब मिस कर दिया हम लोगों ने। अच्छा हुआ कि हमारी ये जर्नी जो रिटर्न थी वो शाम की थी। हाँ, दिन की होती तो शायद और अच्छा होता वैसे, कि पूरी जर्नी ही हम आपको उजाले में दिखा पाते। हमारे ना उधर रावलपिंडी और लाहौर को कनेक्ट करने वाला हाईवे भी चल रहा है। एक साइड ट्रेन, एक साइड बस, दोनों का कंपटीशन। खूबसूरत कर पहाड़ी से घिरा हुआ ये जो पूरा ट्रैक है ना, इधर पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया है, जैसे माउंटेन्स का व्यू होता है ना हमारे भारत में वैसा ही, खूबसूरती बरकरार।
पूरा जंगल, लश ग्रीनरी और उधर सामने पहाड़ी का व्यू, कर्व ही कर्व खूबसूरत व्यू। देखो कैसे जंगल में घुस की टनल, टनल नंबर वन। जैसे ही हम रावलपिंडी के पास आ रहे हैं ना, वेदर एकदम, मौसम ने करवट बदल दी है, धूप निकल के आ गई है। कहाँ बारिश तो है, देखो यहाँ पे भी बारिश है लेकिन बारिश में भी धूप है। लश ग्रीनरी, ब्लू स्काई, वन मोर स्टनिंग कर्व। इस रूट पे कर्व तो बस पूछो ही ना, पूरा पहाड़ी रास्ता है, जैसे कर्व पूरा जंगल के बीचों बीच। देखो लोकोमोटिव, अच्छे से हो? गोल्डरा शरीफ, ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, बट यहाँ पे ट्रेन शायद ही रुके, ये स्टेशन नहीं है यहाँ पे, मतलब ऑफिशियली होल्ड नहीं है। यार कितनी खूबसूरती है यार, बहुत ही प्यारी जगह लग रही है मुझे ये वाली। तो ये व्हील, कुछ तो व्हील का है पहिया, समय का पहिया चलता है। गोल्डरा शरीफ लोकोमोटिव, पाकिस्तानी ट्रेन का। उधर एक शॉप है छोटी सी, काफी अच्छा स्टेशन है, छोटा सा। टॉय ट्रेन, ये देखिए सामने आपको टॉय ट्रेन का भी लुत्फ उठाने को मिल जाएगा। NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, आई थिंक ये अभी बंद की हुई है, पहले चलती थी कोहत से थाली के बीच, और ये बंद किया हुआ है इन्होंने पूरा गोल्डरा शरीफ में लाके, बस एक डेमोन्स्ट्रेशन बना दिया। टॉय ट्रेन स्टीम इंजन को जीवित करना चाहिए आई थिंक, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना यार। गोल्डरा शरीफ पाकिस्तान ट्रेन, ये इस्लामाबाद के गोल्डरा शरीफ को क्रॉस करके निकली है। इस्लामाबाद शहर मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रह जाता है।
कितना पास है इस्लामाबाद के, और आज तक हमने सुना था इस्लामाबाद के बारे में, काफ़ी खूबसूरत जगह है भी ये देखने को लगी है। यहाँ से हमारा इंडिया का जम्मू कश्मीर का बॉर्डर सटा हुआ है, काफ़ी सही है यार। जैसे हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत है ना, वैसे ही पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी काफ़ी खूबसूरत मुझे देखने को मिला है। अब तक तो यहाँ के नज़ारे ख़त्म ही होने को नहीं आ रहे हैं। और अगर सामने आ रहे इस एरिया की बात की जाए तो काफ़ी पोश नज़र आ रहा है, क्योंकि कहाँ पे फ्लैट्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन जारी है, और घर भी देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। डेवलप्ड प्लेस बोल सकते हो इस इस्लामाबाद के एरिया को। अभी तक तो सिंगल ट्रैक चल रहा था, अब यहाँ पे डबलिंग हो चुकी है। रावलपिंडी को ट्रेन अभी अप्रोच कर रही है, ऊपर आपको ट्रैफिक भी नजर आने लगेगा। अभी फाइनली ट्रेन रावलपिंडी पहुंच गई है। रावलपिंडी पहुंचे शाम को 6 बजे। स्टेशन तो काफी भीगता भागता और सुंदर भी है, नीट एंड क्लीन है। सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है मिलिट्री ब्लॉक, उसमें मिलिट्री के रैक हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पे कोई शॉप ओपन क्यों नहीं नज़र आ रही, हम सोच रहे थे कि चाय या कॉफ़ी, ठंडा वेदर है तो कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे, बट कोई शॉप ओपन ही नहीं है। वेलकम टू रावलपिंडी पाकिस्तान। और ठीक ठाक हो, रावलपिंडी पहुंच के कितना लग रहा है? हाँ, 1879 में बना था ये स्टेशन, और बारिश ने तो और भी मतलब सुहावना कर दिया सब कुछ। मोस्टली शॉप्स खुली नहीं है, अरे हाँ एक दो हैं। चाय मिलेगी क्या यहाँ पे? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है, वो 2 तो पीछे ही रह गया। फाइनली रुक गई ट्रेन, ले आए चाय। वाह जी वाह, काफी। एक आपके लिए एक उधर मेरी बाजी मांगती थी।
अच्छा अच्छा, लो जी चाय मंगाई थी, पहुंच गई फाइनली हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुश्किल से बनाई है। बहुत शुक्रिया जी। लो जी रावलपिंडी पे फाइनली मिल गई एक गर्मा गर्म चाय, और क्या चाहिए। देखिए सामने लगी हुई है एक और पाकिस्तानी ट्रेन, लोकल पैसेंजर उस तरफ है, इस तरफ बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता। और ये देख लीजिए इधर का लोकोमोटिव, होल्ड के बाद हो चुकी है ट्रेन की रवानगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। पूरा सिक्योरिटी और पुलिस हर जगह है, आपको देखने को मिल जाएगी स्टेशन पर भी। जब हम जाएंगे तो ये सब दुकानें खुलेंगी। अलविदा रावलपिंडी। सामने आपको दिख रहा है 2000 के मास से आगे मास से आगे मास से आगे तो नेक्स्ट नंबर अभी पहले ही ट्रेन निकली है, मिस हो गया, कैप्चर करता हूं। देखो देखो देखो, मेट्रो स्टेशन लाल कलर की बस जैसी है, बस ही है क्या? चक लाला स्टेशन, चक दे लाला। यहाँ पे कोई लाला है ही नहीं, चकेगा क्या, खाली स्टेशन है एकदम, कोई लाला नहीं, कोई लाली नहीं, नो वन इज हियर, जस्ट नेचर, पीस, ब्यूटीफुल ट्रीज। देखिए संध्या के समय सनसेट देखो यार, इतना प्यारा, पूरा बादल ही बादल छाए हुए हैं घनघोर घटा, बट वेदर बहुत प्यारा है। इसके साथ साथ ब्लू स्काई में कहीं कहीं पे आपको ऑरेंज क्लाउडी मिस्टी सनसेट होता हुआ दिखेगा। यहाँ से आपकी जीटी रोड भी कनेक्ट होती है। ये कहाँ तक चलेगा, ऐसे ही पहाड़ी इलाका? गुजरात तक चलेगा। गुजरात, गुजरात भी आएगा? अरे वाह, आप कहाँ से? लोकल रावलपिंडी। गुजरात भी आएगा? वाह, एक इंडिया का गुजरात और आज हमें पाकिस्तान का गुजरात भी देखने को मिलेगा। इधर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये क्या बन रहा है इधर कंस्ट्रक्शन में? पुल बनता पया, पुल बन रहा है ना, सड़क, पुल बनता है, हाँ सड़क बन रही है। बेहतरीन होता सनसेट।
देखो यार रात का दृश्य कुछ ऐसा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है बाहर। तो डिनर हमको ना पैक करके दिया था, खा लिया है और अभी ना ऊपर आ चुके हैं। 8 बजे वैसे सोच रहे हैं एक दो घंटे की नींद ले लें। आई थिंक 11 या 12 बजे के आसपास ट्रेन पहुंचती है तो आपको दिखाएंगे। ट्रेन जो है अभी होके गुजरेगी गुजरात और वहाँ से रूट जो होता है इनका टर्न हो जाता है ननकाना साहिब के लिए। बीच में नदियाँ भी आती है बट रात के समय नदियाँ दिखाना बहुत मुश्किल है। अभी नींद खुलती है बीच में कहीं स्टेशन पर रुकती है तो वो दिखाएंगे और अदरवाइज ननकाना साहिब स्टेशन पर आपको मिलेंगे। टेक केयर, गुड नाइट, बाय। देखो जी फाइनली 1 बजे रात के पहुँची है ट्रेन ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से अब देखते हैं कि क्या रहेगा आगे गुरुद्वारे के लिए। ननकाना साहिब पहुँच गए हैं जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की पवित्र भूमि पे आप सभी का स्वागत है। सिक्योरिटी तो हर जगह तैनात मिलेगी आपको चाहे कहीं भी चले जाएं। इस टाइप का अभी माहौल है, बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ऐतिहासिक टाइप से बना रखा है लुक और नया नया लग रहा है ऐसा कंस्ट्रक्शन जो है। और वहाँ देखो यार फूलों से स्वागत हो रहा है, फूलों की वर्षा। वाह जी वाह, खुशबू फूलों से स्वागत। बाहर अभी जा रहे हैं, बसेस लग चुकी है हमारी गुरुद्वारे तक ले जाने के लिए। सामने फर्स्ट एड कैंप भी लगा हुआ है अगर किसी जरूरतमंद को चाहिए। बाहर जा रहे हैं सब बसेस के लिए अभी। सामने रेस्क्यू टीम भी है, बाइक देखो इनकी कलरफुल। ननकाना साहिब गुरुद्वारे तक लेके जाया जाएगा और तो छुट दिया बैग। देख लो भी ऐसा हाल है पाकिस्तानी बसेस का। एक बार ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य देखिए, काफी सही बिल्डिंग बनी हुई है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड टाइप लग रही है। देख लो भी इधर दिया बसा। ओहो सत श्री अकाल जी, किवें हो दिलबाग जी, ठीक हो? हने नहीं हने। कितना का किराया? किराया 100 रुपया। 100 रुपये किराया है आपको गुरुद्वारे तक ड्रॉप करने का। अनाउंसमेंट हो जाती है जो भी किराया इन्होंने फिक्स किया होता है ना, उससे ज्यादा हमें नहीं देना होता 1 रुपया भी। डेढ़ किलोमीटर का ये सफर बस में तय किया और देख लो यहाँ पे सामने ही आपको दिख जाएगा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ननकाना साहिब। देखो यार कितना सोना सजा हुआ है। रात का देखो कैसा लुक है, सुबह दिखाते हैं आपको एक बार। अभी चल रहे हैं हम अपने रूम में जहाँ होगा स्टे। फ्रेश फ्रेश होके सब आ चुके हैं हम एक बार ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने और यहाँ पे बन रही थी गर्मा गर्म चाय, तो मतलब बस ज़रूरी है। मौसम यहाँ का ना काफ़ी ठंडा है, ऐसा उम्मीद थी कि गर्मी होगी बट काफ़ी ठंडा है। ननकाना साहिब में वेदर देखो यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी फॉग मिलेगी। और सब ठीक ठाक है? बढ़िया मौसम सोचा सोचा सी का इतना मिलेगा? मैं
ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਅਰੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਰਸਾਂ ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਰੂਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲਾਣੇ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਖਾਣੇ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ